संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक पिता पुत्र ने चार भूखंड का अनुबंध कर पार्षद से 42 लाख रुपए लिए और किसी दूसरे के नाम पर अनुबंध कर भूखंडों का विक्रय कर दिया। पिता पुत्र द्वारा जालसाजी करते हुए 42 लाख की चपत लगाई, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी पिता पुत्र की तलाश में जुटी है। संजीवनी नगर थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जसूजा सिटी निवासी जितेंद्र कटारे उर्फ जीतू ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह महाराणा प्रताप वार्ड के पार्षद है। उनका महावीर नगर निवासी कमलेश पटेल और उनके बेटे मनीष पटेल से रुपयों का लेन देन चलता था। कुछ साल पहले मनीष और कमलेश ने उन्हें बताया कि वे प्लॉटिंग कर रहे हैं और उन्हें रुपयों की आवश्यकता है। इसके एवज में पिता पुत्र ने चार भूखंडों का अनुबंध कर उनसे 42 लाख रुपए लिए थे। रकम लेने के बाद दोनों ने यह भूखंड किसी दूसरे को बेच दिए। करीब एक साल पहले जितेंद्र ने थाने में शिकायत की तो दोनों ने रुपये वापस करने का भरोसा दिलाते हुए चेक दिया, जो कि बाउंस हो गया। रकम वापस नहीं मिलने पर इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। हाँ, अभी मनीष पटेल और कमलेश पटेल के खिलाफ हमने एक FIR कराई है। वो FIR इसलिए कराई है क्योंकि ये आज के नटवर लाल हैं। आज के नटवर लाल इसलिए मैं इनको कहूँगा क्योंकि इनसे मैं बस एक व्यक्ति नहीं हूँ जो परेशान हूँ। इसमें दर्जनों की संख्या में नहीं है, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जिनसे इनने ये 400 VC का काम किया, फ्रॉड का काम किया। एक प्लॉट को एक व्यक्ति को बेच के फिर इन्होंने चार पाँच व्यक्तियों को बेचने का काम किया है। इन्होंने ज़मीनों में दूसरे खसरे लगाकर बेचने का काम किया है। इन्होंने सड़कें सीलिंग में डालकर वो ज़मीन का उपयोग बेचने के काम में किया। ऐसे तमाम मामले हैं जो इनके उजागर हुए हैं पहले भी। ये मनीष पटेल महावीर कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, ये पहले प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं, ये बिल्डर हैं और इनके द्वारा मुझसे ठगी का काम किया गया, जो कि मैं पैसे अपने निरंतर मांग रहा हूँ इनसे, जो आज तक दिनांक तक नहीं दिए गए। इसलिए मजबूरन मुझे एक वर्ष पूर्व जब इनकी FIR कराने में थाने पहुँचा था तब इन्होंने वहाँ हाथ पैर जोड़कर समझौता नामा कर लिया था और मुझे चेक थमा दिए थे। वो चेक भी इनके नकली थे, इनकी तरह वो चेक भी नकली थे और वो भी बाउंस हुए। और फिर लगातार मेरे एक साल परेशान होने के बाद फिर से थाने में शिकायत देकर FIR कराने का काम किया। पार्षद जी जीतू कटारे जो है उन्होंने 4/2/24 को एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसकी जांच जो है हमारे वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा की गई है और हमारे द्वारा भी की गई है, जिसमें अपराध पाए जाने से वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से आरोपी मनीष पटेल और कमलेश पटेल इनके द्वारा जो है एक जमीन प्लाट है जिसमें इनके द्वारा जो है 42 लाख रुपए का इनका लेन देन हुआ है। इन्होंने 2014 में भी 12 लाख रुपए लिए मनीष पटेल ने और 25/7/14 को भी जो है 7 लाख रुपए और 21/10/14 को भी 23 लाख रुपए, कुल 42 लाख रुपए जो इन्होंने एक प्लाट के बेचने को लेकर के एग्रीमेंट कराया गया था। अब वो प्लाट जो है नहीं है और रजिस्ट्री नहीं हो पाई है उसमें, और रजिस्ट्री नहीं होने के कारण ने शिकायत की है। शिकायत पर से जो है अपराध का पाया जाने से हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए हैं। आरोपी जो है अभी फिर जो है फरार है। सर ये आरोपी कौन है, कहाँ रहते हैं? ये मनीष पटेल हैं, ये गंगानगर में रहते हैं। मनीष पटेल और कमलेश पटेल भूखंड कॉलोनी के पीछे रहते हैं, पुलिस लगातार तलाश कर रही है और बेचना चाह रही है। इनका काम क्या है मनीष पटेल और? मनीष पटेल जो है ये पहले भी इनके विरुद्ध जो है काफ़ी प्रकरण पंजीबद्ध है और ये प्रॉपर्टी का काम करता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, किसी का प्लाट दिखाना और उसको बेच लेना, उसमें एग्रीमेंट करके पैसे ले लेना, इस टाइप से फ्रॉड करता है। कई अपराध है इनके विरुद्ध। तो ये जो अपराध हुआ ये किसके साथ हुआ है? ये हुआ है जीतू कटारी के साथ। जीतू कटारी के द्वारा शिकायत आवेदन प्रस्तुत की गई है, उसी में से जांच पर से कार्रवाई। कहाँ का मामला है ये? है भूकंप कॉलोनी का, भूकंप कॉलोनी के पीछे वहाँ उनका प्लाट है।